कारी मोहम्मद तैयब कासमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बराहे रास्त मिल सके। राजदार होने का जो शर्फ अल्लाह ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को दिया है, सहाबा कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा होता हमें ताकत नहीं होती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डाल सके। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। ये जो आजकल हम कहते हैं कि सैयद जो आले रसूल होता है उसकी सिफात में एक सिफत होती है कि सैयद सोना हो रहा है। सुभान अल्लाह। सोना गोरे होने का नाम नहीं होता है। वे हम चल रहे हैं कि गोरा है वो सोना है। सोना वो है कि जिसके माथे पर नजर न टिक सके, चाहे वो काला है चाहे वो सर से लेकर पैरों तक सोना मेरी और आपकी नजरों में हो और अल्लाह की नजरों में वो अंदर से भी सोना होता है बाहर से भी। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर मुझे ये तो ईमान है, ईमान का हिस्सा है, ये वो इबादत है, नमाज हम पे फर्ज है, कहो बेशक बेशक है ना, हज ज़कात रोजा ये चीजें हम पे फर्ज है। अल्लाह ने अपने ऊपर नमाज तो फर्ज रखी नहीं, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह उसने हम पर फर्ज की है, लेकिन अल्लाह कहते हैं नमाज सिर्फ तुम पर है। मैं जात में सिफात में वाहदहु ला शरीक हूं, तुम में मेरे जैसा तो कोई नहीं, लेकिन आओ मैं दावा कर देता हूं कि दुरूद पढ़ने में मेरे महबूब पर तुम और मैं दोनों एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अपना नाम लिया, ان الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله, फिर कहा يا ايها الذين امنوا سبحان الله, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पाक पर दुरूद पढ़ते, का يصلون على النبي سبحان الله, तुम भी صلى الله عليه, अल्लाह ने पहले अपना फिर फरिश्तों का जिक्र किया, फिर तुम्हारा जिक्र किया है, तुम दरूद पढ़ो कयामत वाले दिन इंशाअल्लाह जिस खाते में अल्लाह का दरूद होगा अल्लाह के फरिश्तों को होगा तुम्हारा भी होगा। सुभान अल्लाह। मैं एक बात कह दूं, अगर वो कबूल होगा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, और वो यकीनन कबूल है, जोर से कह बेशक, बेशक यकीनन कबूल है, बेशक बेशक लड़ लगे हैं तुम्हारा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वास्ते कि लड़ उधर लगे, अर्ज की ये भी सुभान अल्लाह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी जिब्रील आया, सुभान अल्लाह, दो चुके थे, सुभान अल्लाह, इसीलिए आया। जिब्रील ने कहा है कि आज रात मक्के से निकलना है, सुभान अल्लाह, और साथ ही कहा कि जिब्रील ने कहा अल्लाह कहते हैं सात किस हो रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सात किस हो रहा है। तिब्रानी हदीस की एक मशहूर किताब है, उसके अंदर यह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक ये मेरे पास जिब्रील आया है, ये जिब्रील आया खड़ा है, जोर से कह दो अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, कह रहा है अल्लाह कहते हैं इब्तिदा से लेकर कयामत तक और कयामत के बाद भी मेरी उम्मत में सिद्दीक जैसा बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में एक सूरत है आखिरी सिपाही में, वल्लैल इज़ा यग्शा, सूरतुल लैल का है, लैल का माना ही रात का, क्या है रात,
और रात होती राजदार है। समझो देना मेरी बात, रात में सारे राज के काम किए, ठीक है, दिन को बंदा वो राज के काम नहीं कर सकता जो रात को करता है।